वेलकम एवरीवन, वेलकम इन क्लास सिक्स सब्जेक्ट मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 11.1 एलजेब्रा। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द रूल यूजिंग वेरिएबल्स। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज टी, यू कैन सी टी, 1 टी बनाने के लिए 2 मैस्टिक्स यूज हुई हैं, 2 टीज बनाने के लिए टोटल 4 मैस्टिक्स यूज हुई हैं और 3 टीज बनाने के लिए टोटल 6 मैस्टिक्स को यूज किया गया है। 4 मैस्टिक्स बनाने के लिए कितनी 4 टीज बनाने के लिए कितनी मैस्टिक्स को यूज करना पड़ेगा? ऑब्वियसली 8। तो हमें बताना है कि इस तरह के कंस्ट्रक्शन के लिए हमें अकॉर्डिंग टू टीज कितनी मैस्टिक्स की जरूरत पड़ेगी। तो मैंने यहाँ लिखा है फॉर 1 टी 2 मैस्टिक्स आर रिक्वायर्ड, फॉर 2 टीज 4 मैस्टिक्स आर रिक्वायर्ड, एंड फॉर 3 टीज 6 मैस्टिक्स आर रिक्वायर्ड, एंड फॉर 4 टीज ऑब्वियसली 8 मैस्टिक्स विल बी रिक्वायर्ड। हम इसे इस तरीके से अपनी नोटबुक में लिखेंगे, मैस्टिक्स रिक्वायर्ड फॉर n इज इक्वल टू 1, मतलब 1 टी, 1 टी बनाने के लिए इस 2n, 2 टाइम्स n, जहां पर n की वैल्यू 1 है, t की वैल्यू 1 है, मतलब 1 टी बनाना है तो n की वैल्यू भी हम 1 ही रखेंगे। तो n इक्वल टू 1, 1 टी बनाने के लिए हमें 2 टाइम्स n, मतलब 2 × 1 2 मैस्टिक्स चाहिए, n की वैल्यू 2, मतलब 2 टी बनाने के लिए हमें 2n मींस 2 × 2, क्योंकि इस बार t 2 है तो हमें 2 × 2 मतलब 4 मैस्टिक्स चाहिए, और n इज इक्वल टू 3 टी, मतलब कि अगर 3 टीज बनानी है तो रूल हमारा है 2n, लेकिन इस बार n की वैल्यू हो जाएगी 3, क्योंकि टीज हमें 3 चाहिए, तो 2 × 3 इज इक्वल टू 6 मैस्टिक्स। सो द रूल फॉर दिस कंस्ट्रक्शन जो हमने इस तरह का ये बनाया है, टीज बनाया है, उसके लिए रूल है, द रूल इज 2n, वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ टीज। दिस इज द मैथड यू हैव टू डू इन योर नोटबुक्स। यस, क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 11.1। कैडेट्स आर मार्चिंग इन अ परेड, देर आर 5 कैडेट्स इन अ रो, वॉट इज द रूल विच गिव्स द नंबर ऑफ कैडेट्स गिवन द नंबर ऑफ रोज। हियर आई हैव ड्रॉन 1 रो एंड इन 1 रो 5 कैडेट्स आर देयर। आई हैव ड्रॉन रोज, दिस इज द 1 रो, n इज इक्वल टू 1 मीन्स 1 रो एंड द कैडेट्स आर 5। सो n इज इक्वल टू 1, फॉर 1 रो देर आर 5 कैडेट्स। n इज इक्वल टू 2 मीन्स देर आर 2 रोज एंड देन कैडेट्स विल बी 10, एंड फॉर 3 रोज n इज इक्वल टू 3, कैडेट्स आर 3 × 5 मीन्स 15। Here n is equal to 1 row, here n is equal to 2 rows, here n is equal to 3 rows. Number of cadets for n is equal to 1 row is 5 × n, where n is 1, 5 × 1 is 5 cadets. For n is equal to 2 rows is 5 × n, again means 5 × 2, because here are 2 rows. 5 × 2 is equal to 10 cadets, and for n is equal to 3, 3 rows is 5 × n again, but 5 × 3 and in place of n we have 3 is equal to 15 cadets. Therefore, the rule is 5n, where n is equal to number of cadets. This is the question, you can see. Question number 6, exercise 11.1. Question is, Leela is Radha's younger sister. Leela Radha ki choti behen hai. Leela is 4 years younger than Radha. Leela Radha se 4 years choti hai. Can you write Leela's age in terms of Radha's age? Kya tum लीला की एज को
राधा की एज के टर्म्स में लिख सकते हैं, लिख सकते हो। लेट स्टार्ट सॉल्यूशन। वी विल स्टार्ट, लेट राधास एज बी एक्स ईयर्स। हम मान लेते हैं कि राधा की एज एक्स ईयर्स है। लीला इज 4 years younger than राधा। यहां लिखा हुआ है लीला इज 4 years younger than राधा। अभी हम इसे एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिखेंगे। लीला इज मींस लीलाज एज इज इक्वल टू 4 years younger than राधा, मींस राधास एज माइनस 4 years। तो गिवन दैट हमारे पास दिया हुआ है कि लीलाज एज मतलब लीला की एज इज, लीला की एज इक्वल है किसके इक्वल है, 4 years younger than राधा, मतलब राधा से 4 साल छोटी है, राधा से 4 साल कम है। तो हम लिखेंगे इज इक्वल टू राधास एज माइनस 4 years। अब राधा की एज तो हमने एक्स ईयर्स लिखी है, सी हियर राधास एज बी एक्स ईयर्स। तो हमने राधास एज इज एक्स ईयर्स, तो हम एक्स ईयर्स में से 4 years को माइनस करेंगे। एक्स ईयर्स माइनस 4 years लिखेंगे तो लीलास एज इज इक्वल टू एक्स माइनस 4 years। तो हमने लीला की एज को राधा की एज की टर्म्स में लिख दिया है। राधा की एज हमने एक्स ली थी, तो हमने लीला की एज को एक्स की टर्म्स में लिख दिया है। दिस इज द फुल सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 11.1। क्वेश्चन इज ऑरेंजेस आर टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम लार्जर बॉक्सेस इनटू स्मॉलर बॉक्सेस। मतलब कुछ बड़े डिब्बों में से, बड़े बॉक्सेस में से ऑरेंजेस को निकालकर छोटे बॉक्सेस में ट्रांसफर किया जा रहा है। When a large box is emptied, the oranges from it fill 2 smaller boxes and still 10 oranges remain outside. जब एक बड़े बॉक्स में से ऑरेंजेस को निकालकर छोटे बॉक्सेस में डाला जाता है तो 2 छोटे बॉक्सेस भर जाते हैं, लेकिन साथ ही 10 oranges छूट जाते हैं बड़े ही बॉक्स में। मतलब अभी भी 10 oranges बचे हुए हैं, उनके लिए छोटे बॉक्सेस में, 2 छोटे बॉक्सेस में जगह नहीं है। If the number of oranges in a small box are taken to be x, अगर हम small boxes में जितने भी oranges हैं उनको हम x ले लें, तो what is the number of oranges in the larger box? तो बड़े वाले box में कितने oranges होंगे? Let's see the solution. एक बड़ा box बनाया है मैंने, एक बड़े box में कुछ oranges हैं, हमें नहीं मालूम कितने, लेकिन जब इन ऑरेंजेस को हम छोटे 2 small boxes में ट्रांसफर करते हैं तो हमने अज्यूम करना है कि छोटे वाले बॉक्स में x ऑरेंजेस आ रहे हैं। इसमें छोटे एक बॉक्स में x नंबर ऑफ ऑरेंजेस आ रहे हैं, दूसरे बॉक्स में भी x नंबर ऑफ ऑरेंजेस आएंगे, लेकिन ये पूरा बॉक्स अभी भी खाली नहीं हो पाया है, दोनों छोटे बॉक्सेस को भरकर भी अभी भी 10 oranges छूटे हुए हैं, अभी भी 10 oranges छूटे हुए हैं। हम लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ ऑरेंजेस इन द स्मॉल बॉक्स बी एक्स। छोटे वाले बॉक्स में एक्स ऑरेंजेस आते हैं, तो नंबर ऑफ ऑरेंजेस इन द बिग बॉक्स किसके इक्वल हो जाएगा? नंबर ऑफ ऑरेंजेस इन द बिग बॉक्स इज इक्वल टू एक्स ऑरेंजेस फ्रॉम फर्स्ट बॉक्स प्लस एक्स ऑरेंजेस फ्रॉम सेकेंड बॉक्स प्लस 10 oranges विच आर still remaining outside. So one box, one small box or one small box के oranges को हम 2 times small box के oranges मतलब 2x लिख सकते हैं। 1x plus 1x को हम 2x लिखेंगे, 2x plus 10। हमने लिख लिया है number of oranges in the big box is equal to 2x plus 10. Now we will write therefore, number of oranges in the larger box is equal to
2x plus 10 oranges. This is our answer.